भारत के अधिकांश गांव में लिंग विषमता एक आम बात है। अक्टूबर 2018 तक महाराष्ट्र के वाल्हे गांव की महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन देने का चलन था, जब वे उतने ही समय काम करते थे। महिलाओं को इस धोखाधड़ी के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। सदियों से लिंग असमानता एक परंपरा रही है, एक परंपरा जिसपे कभी प्रश्न नहीं उठा। लेकिन मैंने मुद्दों को अलग नजरे से देखना सीखा, क्योंकि मैं बदलाव के लिए निश्चित थी। मेरा नाम है रोहिणी और ये है मेरा समुदाय। रोज लोकांच्या शेतात काम करायचं, 50-60 रुपये मजुरी कमवायची आणि संध्याकाळी ते घर खर्चासाठी वापरायचे पैसे। किती पैसे मिळतात तुम्हाला ह्या कामाचे? आम्हाला ह्यात 50-60 रुपये भेटतात। आणि जी पुरुष पण दिवसभर काम करतो त्या पुरुषांना किती पैसे मिळतात? त्यांना मिळतात 100-125 रुपये। इस व्हिडिओ बनाते हुए महिला मजदूरों को एहसास हुआ कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उन्होंने मुझसे सलाह मांगी। फिर मैंने उनसे कहा कि उनको इस भेदभाव के खिलाफ विरोध करना चाहिए, काम पर न जाके। फसल सारी पक चुकी थी और अगर उसे जल्दी काटा न गया तो नुकसान होता। खेतों के मालिक को उनकी यह मांग पूरी करनी ही पड़ी, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। सिर्फ 6 दिनों में यह भेदभाव बंद हो गया। 600 से भी अधिक महिलाओं को इसके फायदा हुआ। तुम्ही आमच्या रोजगार वाढण्याबाबत पाठीमागे आमच्याकडे आला होता मुलाखत घेण्यासाठी, पण तुम्ही आमच्या गावातले आहे आणि गावातल्यांसाठी तर तुम्ही दखल घेतलीच, पण बाहेर गावी खेडोपाड्यात जाऊन सुद्धा प्रत्येक मजुरी करणाऱ्या बाईची दखल घेतली। आणि आता तुम्ही आमची मुलाखत घेऊन गेल्यानंतर, आमचं शूटिंग घेऊन गेल्यानंतर, त्या तुमच्या शूटिंगचा आणि मुलाखतीचा एवढा आम्हाला फायदा झाला की आता आम्हाला 100-125 रुपये रोज मिळतोय गहू काढणीला। सच में मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं मेरे गांव के औरतों के लिए कुछ कर पाऊंगी, मगर इस काम ने मेरे अंदर जो आत्मविश्वास निर्माण किया है उसके कारण ये सब हुआ है।